Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 8. Say ow as in mouse. House, mouse, blouse, proud, loud, out, stout, shout. Found, mound, hound, sound, round, ground, around. Ouch, couch, pouch, count, bounce, mountain, fountain. Now we are doing reading. A mouse in the house, घर में चूहा. New words, market, बाजार, everything, प्रत्येक वस्तु, little, थोड़ा या फिर छोटा. Scream, चिल्लाना. Wait, इंतजार. Proud, घमंड या फिर गर्व. Find, ढूंढना. भानु is a big boy. भानु एक बड़ा लड़का है. He is 7 years old. वह 7 साल का है. His sister Mona is small. उसकी बहन मोना small means छोटी है. She is only 3 years old. वो कितने साल की है? 3 years. Today, mother has to go to the market. आज माँ कहाँ गई? बाजार गई. She tells Bhanu to take care of little Mona. उन्होंने भानु से क्या कहा कि तुम्हें किसकी देखभाल करनी है? टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना. किसकी देखभाल करनी है? छोटी मोना की. भानु इज अ गुड बॉय. भानु एक अच्छा लड़का है. ही टेक्स केयर ऑफ हिज सिस्टर. वह अपनी बहन की क्या करता है? देखभाल करता है. मोना इज प्लेइंग विद हर. मोना क्या कर रही है? खेल रही है. विद हर मीन्स के साथ. टॉय कि टॉयज के साथ मोना क्या कर रही है? खेल रही है. सी फाइंड्स अ बिग राउंड पाउच ऑन द ग्राउंड. सी फाइंड्स उसे क्या मिलता है? एक बड़ा सा राउंड गोल गोल पाउच मिलता है. कहाँ पे? ग्राउंड पे. सी पिक्स अप द पाउच. वो पाउच को उठाती है. एंड ओपन्स इट और इसे खोलती है. आउट कम्स अ स्टाउट माउस. उसके अंदर से क्या होता है? एक जो चूहा होता है उछलकर बाहर आता है. इट क्लाइम्स ऑन हर ब्लाउज. वो उसके ब्लाउज पे चढ़ जाता है. एंड देन जम्प्स ऑन द काउच और उसके बाद वो काउच पे जंप कर जाता है. आउच आउच. हेल्प हेल्प. शाउट मोना. मोना चिल्लाई आउच आउच. मदद करो मदद करो. भानु हियर्स द लाउड स्क्रीम. भानु को वो तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है. ही रन्स टू हेल्प हर और वो उसकी मदद करने के लिए भागता है. ही सीज द माउस बाउंसिंग अप एंड डाउन. उसने क्या देखा? बाउंस मीन्स होता है ऊपर नीचे की उछलना. जैसे हम बॉल को डालते हैं वो क्या होती है? अप एंड डाउन बाउंस करती है. उसी तरीके से वो चूहा भी क्या कर रहा था? ऊपर और नीचे बाउंस कर रहा था. द माउस जम्प्स फ्रॉम द काउच टू द ग्राउंड. और चूहा वहाँ से जंप करता हुआ किस पे कूद जाता है? ग्राउंड पे. ही जम्प्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द काउच. फिर वो जंप करके कहाँ चला जाता है? ग्राउंड से काउच पे. पुअर मोना इज क्राइंग. और बेचारी मोना क्या कर रही है? चिल्ला रही है. भानु गोज इन टू द गार्डन. भानु कहाँ जाता है? गार्डन में जाता है. एंड कम्स बैक विद अ बिग राउंड पॉट. और किसके साथ वापिस आता है? एक बड़ा. बिग मीन्स बड़ा. राउंड मीन्स गोल. एक बड़ा सा गोल सा पॉट मीन्स होता है मटका. एक बड़ा सा गोल मटके के साथ वो गार्डन से वापिस आता है. ही पुट्स द पॉट ओवर द माउस. और वो क्या कर देता है? उस मटके को चूहे पे रख देता है. द माउस कैन नॉट रन. अब चूहा दौड़ नहीं पा रहा था. वो दौड़ नहीं सकता था. मोना स्टॉप्स क्राइंग. मोना चिल्लाना बंद कर देती है. सी इज वेरी हैप्पी नाउ. अब वो बहुत खुश है. बोथ ऑफ देम वेट फॉर मदर टू कम बैक फ्रॉम द मार्केट. और अब बोथ ऑफ देम मीन्स वो दोनों. अब वो दोनों क्या कर रहे थे? अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे. किस लिए?
कम बैक फ्रॉम द मार्केट कि उनकी माँ बाजार से आ जाए और वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। दे टेल हर एवरीथिंग, उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। मदर इज प्राउड ऑफ भानु, और माँ को अपने बेटे भानु पे क्या होता है, गर्व होता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट द फ्लो चार्ट यूजिंग आउ साउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। मोना फाइंड्स अ पाउच ऑन द ग्राउंड, मोना को ग्राउंड पे क्या मिलता है, एक पाउच मिलता है। अ स्टाउट माउस क्लाइम्स ऑन हर ब्लाउज एंड जम्प्स ऑन टू द काउच। भानु हियर्स अ लाउड स्क्रीम एंड रन्स टू हेल्प हर। द माउस जम्प फ्रॉम द काउच टू द ग्राउंड। भानु ब्रिंग्स अ बिग राउंड पॉट एंड पुट्स इट ओवर द माउस। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नेम रिटर्न कीजिए अंडर ईच, हर एक पिक्चर के नीचे। फर्स्ट है पाउच, पोटली हाउस घर, फाउंटेन फवारे, माउंटेन पहाड़। नेक्स्ट फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ स्टोरी से कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके आपको क्या करने हैं, राइमिंग वर्ड रिटर्न करने हैं। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जब हम कोई भी वर्ड रिटर्न करते हैं उसकी सेम साउंड का जो वर्ड होता है उसको राइमिंग वर्ड बोला जाता है। लाइक दिस साउंड ग्राउंड फाउंड, पाउच आउच काउच, हाउस माउस ब्लाउज। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर रिटर्न करने हैं। हाउ ओल्ड इज भानु, भानु कितने साल का है। भानु इज 7 years old, भानु इज 7 years old, भानु 7 साल का है। व्हाट डज मदर टेल भानु, माँ ने भानु से क्या बताया, क्या कहा था उसे। मदर टेल्स भानु टू टेक केयर ऑफ लिटिल मोना। मदर टेल्स TELLS टेल्स भानु टू TAKE टेक CARE केयर ऑफ लिटिल मोना, कि मदर ने भानु से किसकी टेक केयर करने के लिए कहा था, छोटी मोना की। नेक्स्ट है व्हाट कम्स आउट ऑफ द पाउच, पाउच से बाहर क्या आता है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना व्हाट, इस व्हाट का आंसर आएगा द माउस, उसके बाद का जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में है, द माउस कम्स आउट ऑफ द पाउच। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज भानु ब्रिंग फ्रॉम द गार्डन, भानु गार्डन से क्या लाता है। भानु ब्रिंग्स अ बिग राउंड पॉट, भानु क्या लेके आता है, एक बड़ा सा गोल मटका लेकर आता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।